सो हे गाइस, मेरा नाम अशोक गौतम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमाचली राइडर। और अभी आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं ये है NS160 और ये डुअल चैनल ABS के साथ जो है इस बार कंपनी इसको लॉन्च किया है। और इसके साथ में इसमें OBD2 जो है उसको इंस्टॉल किया गया है। Phase 2 के जो नॉर्म्स हैं उनको इसके साथ जो है वो रखा गया है। और इसकी की बात करें तो इस तरह की आपको नॉर्मल सी जो है वो की देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आप यहां पे देखें, यहां पे आपको USD फोक्स जो देखने को मिलेंगे और यहां पे जो है वो ABS डुअल चैनल की जो बैचिंग दी गई है, स्टिकर लगा हुआ है। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ जो है वो 100x80 17 इंच का रहेगा। और इसके साथ में अगर कलर की बात करें तो एक गन मेटल जो ग्रे कलर जो है यहाँ पर इस बार जिसको ऐड किया गया है। इससे पहले अगर आप देखें तो इससे पहले जो ब्लैक कलर जो रिम के साथ आता था, लेकिन अभी जो वो गन मेटल ग्रे को जो है वो ऐड किया गया है। इसके साथ में अगर ABS रिंग की बात करें तो ये 300mm की इसकी ABS रिंग रहेगी। और इसके साथ में इसके जो फ्रंट डिस्क की बात करें तो उसकी फ्रंट डिस्क जो 300mm की रहेगी और ये साथ में ABS की रिंग रहेगी। इसका साइज़ भी जो भी है वो बढ़ गया है। और इसके साथ में एक कैलिपर रहेंगे ब्लैक कलर के। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो कंसोल है वो इस तरह का रहेगा। जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे आपको जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर जो है उसको लगाया गया है। जैसे आप ऑन करते हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है वो चल पड़ा है। और इसके साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी और आइडियल फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी इसमें आएगा। और इसके साथ में यहाँ पे फ्यूल गेज का है। टैकोमीटर जो है वो आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो न्यूट्रल की है, बैटरी की है, इंजन की है। और इसके साथ में यहाँ पर जो आपको इंजन के जो है फंक्शन है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में दिया गया है। और इसके नीचे जो है बजाज का जो है यहाँ पर लोगो रहेगा। और ये मोड और सेट के दो बटन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ABS जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं अगर मैं बात करूं तो ब्लैक लिट जो है वो यहाँ पे जो है लाइट्स जो हैं वो रहेंगी, जो कि रात के टाइम में काफ़ी बढ़िया लगती हैं। इसके साथ में स्विच गियर की बात करें तो जिनकी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, ये टर्न इंडिकेटर्स का रहता है। हॉर्न जो काफ़ी क्रिस्प है। और इसके साथ में यहाँ पे किल स्विच का रहेगा। और किल स्विच के साथ में नीचे जो है यहाँ पे स्टार्टर का रहेगा। और अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक की तो इसका फ्यूल टैंक जो है 12 लीटर्स का रहेगा। और यहाँ पे जो इस बार इसका कलर भी चेंज कर दिया है, ग्लॉस मेटल ग्लॉस जो है ब्लैक जो है उसको ऐड किया गया है। इससे पहले जो यहाँ पर ग्रे कलर में आता था। और यहाँ पर आपको पल्सर जो है वो भी ब्लैक जो है उसमें देखने को मिलेगा और 3D में है। और इसके साथ में न्यू स्टिकर जो उसको ऐड किया गया है। और इसमें टोटल जो 3 कलर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। एक इसमें जो है ग्लॉस ब्लैक है, उसके साथ नीचे जो है वो रेड जो है रहेगा, उसके साथ में नीचे जो है ग्रे है, ये गन मेटल ग्रे रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो 160 जो है जिसमें बहुत अच्छी बात रहती है वो है इसमें किक। इसमें जो कंपनी आपको किक जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि विंटर्स में जो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें OBD2 जो है उसको इंस्टॉल किया गया है, जो कि इसके सीट के नीचे है यहाँ। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको रियर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, मोनोशॉक जो है इसका सस्पेंशन रहेगा। इसके साथ में फुटबैग्स की क्वालिटी की बात करें तो उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है। और इसमें जो 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और ये जो इसका रियर टायर है, और रियर टायर की बात करें तो इसमें ओपन चेन सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रोफाइल वो रहेगी 130x70 और इसके साथ में ये 17 इंच का रहेगा। इसके साथ में इसकी प्रोफाइल की बात करें 130x70 और 17 इंच का जो इसका टायर का प्रोफाइल रहेगा, ये भी गन मेटल ग्रे के साथ आ रहा है। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इस बार जो ड्यूअल चैनल ABS को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो इस बार जो रिंग है वो वर्क करेगी, स्पीड सेंसर का काम नहीं करेगी, ये ABS का प्रॉपर वर्क करेगी। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डिस्क साइज़ है वो 230mm का रहेगा और इस तरह का रहेगा। इसके साथ में जो बदलाव किया गया है वो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर। इस बार दो इसमें रिफ्लेक्टर जो है लगाए गए हैं, एक जो है वो लेफ्ट साइड है और एक जो है राइट साइड है। तो दो जो है इसमें रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। और इसके साथ में अगर आप पैटर्न की बात करें तो इस तरह का इसका रहेगा लाइट्स का, जो नॉर्मल इससे पहले भी आता था। और इस बार कलर जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसको प्रीमियम बनाया गया है। और इस तरह की आप देख सकते हैं, इस तरह की इसकी प्रोफाइल रहेगी। अगर मैं बात करूं तो इसका सीस इंजन की बात करूं तो इसका इंजन जो 160cc का रहेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 17 PS रहेगी और ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14 की, तो काफ़ी बढ़िया है। और स्पेक्स की बात करें तो वो पुराने वाले ही हैं, जिसमें पुराने रहते थे वही इसमें रखे गए हैं। इंजन गार्ड जो है वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक और साथ में रेड का जो है यहाँ पर टेक्स्चर दिया गया है। और इसके साथ में यहाँ पर जो है स्पोर्टर भी लगाया गया है। और फ्यूल इंजेक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे थे BS6 में, तो उसका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में ऑयल कूल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो लिक्विड कूल जो है वो NS200 में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे आप कैटलिस्टिक कन्वर्टर में देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है। और साथ में ये जो इसका हॉर्न का लगाया गया है, हॉर्न जो काफ़ी बढ़िया इसका। और यहाँ पे आप फ्रंट जो है वो मड फ्लैप देखें तो इसमें जो कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ अशोक का ऑटोमोबाइल हमीरपुर में, और वहाँ पे ये बाइक जो अवेलेबल है, और आप जो है इस बाइक को वहाँ पे जो है वो ले सकते हैं और बुक भी करवा सकते हैं। इसके साथ में अभी मैं इस बाइक को चला के आपको बताऊँगा कि इसके जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस है और किस तरह से जो है ये रोड पर जो है वो कैसा जो परफॉर्म करती है। सो दोस्तों अभी मैं राइड कर रहा हूँ NS160 को, और अभी बताता हूँ कि किस तरह से ये इसका परफॉर्मेंस रहेगी। इसमें टोटल जो 5 गियर्स ही हैं, तो ऐसा मेरे को फील हुआ कि यार 6th गियर जो होना चाहिए था, लेकिन इस गियर में भी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। रियर ब्रेक जो काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट है। और ब्रेकिंग की बात करो ना, तो इस बार इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने NS160 और NS200 की जो ब्रेकिंग है ना वो सिमिलर ही रखी, उसमें इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। और फ्रंट में 300 mm और रियर में 230 mm और ड्यूअल चैनल, तो सेम ही है जो 200 में है। तो दोस्तों इसमें जो है फ्रंट में USD जो है ना वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, सस्पेंशन जो है ना वो काफ़ी मस्त हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि इसमें जो है वो USD आ गया। क्योंकि पल्सर जो था ना उसमें USD नहीं आते थे, डोमिनार में आते थे, लेकिन पल्सर में जब USD आ गया ना तो मतलब एक फ़ैन बेस जो पल्सर वालों का था ना वो सब खुश हो गए हैं। और अब देख सकते हैं अभी भैया किस तरह से भगा रहे हैं NS200 को, ये भी फुल मज़ा ले रहे हैं यार, क्योंकि जो नया आता है ना मार्केट में उसके चलाने का जो मज़ा है ना वो तो अल्टीमेट रहता है। अभी यहाँ फिर से चेक करते हैं सस्पेंशन, वो आप देख सकते हैं आगे वाली बाइक के। तो फ्रंट ब्रेक जो है ना वो भी काफ़ी बढ़िया हो गई है इसमें, और जो इसका जो प्राइस है ना वो आपको ऊपर आ रहा होगा, और इस वीडियो को बनाने के में मेरी हेल्प की है अशोक का ऑटोमोबाइल हमीरपुर में, और वहाँ पे ये बाइक जो अवेलेबल है वहाँ पे आप इस बाइक की जो टेस्ट राइड भी ले सकते हैं और साथ में बुकिंग करवा भी सकते हैं, और अगर बाइक अवेलेबल हुई तो आपको सेम डे जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर आप मेरा नाम लेते हैं, मेरे चैनल का नाम लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो अभी आप देख सकते हैं रियर लुक किस तरह की है NS200 की, ये रिफ्लेक्टर जो लगा दिए ना साइड में ये तो बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। और दोस्तों इस बार अगर आप देखें इसके कंसोल को, तो इस बार फिट एंड फिनिश जो है काफ़ी बढ़िया कर दिया है, जो पुराने वाला था ना उससे इसका फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी बढ़िया है।